और साफ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंटी करप्शन कोर्ट की खिलाफ वर्जी आरोप किए गए मिडल ऑर्डर बल्लेबाज उमर अकमल की जानब ऐसी नोटिस का जवाब मौसू होने की तस्दीक कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंटी करप्शन कवानी की खिलाफ वर्जी पर उमर अकमल कोतल कर दिया है और उन्हें नोटिस ऑफ चार्ज जारी करते हुए चौदह दिन के अंदर जवाब तलब किया गया था पी सी बी ने तस्दीक की है कि उमर अकमल की जानब से जवाब मौसू हो गया है बोर्ड ने कहा कि उमर अकमल के जवाब का जायजा लेने के बाद ही इस हवाले से मजीद कोई ला अमल इख्तियार करेगा और फिर वक्त पी सी बी इस मामले पर मजीद को बयान जारी नहीं करेगा जराये के मुताबिक उमर अकमल ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है जिसकी बदौलत तो है की उन्हें कम ऐसी कम सजा दी जाएगी जो छह माह ऐसी एक साल तक बनती है इसके साथ साथ उमर अकमल आरोप दस ऐसी बीस लाख रूपए जुर्माना और वार्निंग भी जारी की जाएगी अगर आइंदा उन्होंने ऐसी कोई हरकत की तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है याद रहे की पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज ऐसी कबल ही लीग को एक और करप्शन स्कैंडल ने अपनी लपेट में ले लिया था और पाकिस्तान सुपर लीग में कोईटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करने वाले उमर अकमल को बोर्ड एंटी करप्शन कवानीन के खिलाफ वर्जी आरोप मुतल कर दिया गया था पी सी बी ने एंटी करप्शन कोर्ट की दफा चार इशारिया सात इशारिया एक के तहत उमर अकमल को फौरी तौर पर मुतल कर दिया था और उन्हें एंटी करप्शन कोर्ट की आर्टिकल दो इशारिया चार इशारिया चार की खिलाफ वर्जी का मुरतखब करार दिया गया था मसकूरा आर्टिकल किसी भी फर्द के जानब से करप्शन की पेशकश के बारे में पीसीबी विजिलेंस एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को बग़ैर किसी गैर जरूरी ऐसी आगाह न करने से मुतल है उमर अकमल को पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर की नुमाइंदगी करना थी लेकिन मुतली के सब लीग समेत हर तरह के क्रिकेट मुकाबलों में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई थी बोर्ड की जानब से मुतली के बावजूद उमर अकमल के बड़े भाई और विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने इनका मुकम्मल दिफा किया था उन्होंने मीडिया से गुफ्तु करते हुए कहा था कि मैं अपने भाई को जानता हूँ वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते वो अभी भी इतने ही साफ शफाफ हैं जितने आज से दस साल कबल थे जब उन्होंने बैन अवी क्रिकेट में कदम रखा था उन्होंने दावा किया कि उमर अकमल ने एंटी करप्शन यूनिट से किसी भी दूसरे खिलाड़ी के मुकाबले में बहुत ज्यादा किया याद रहे कि ये पहला मौका नहीं कि पीसीबी की जानब से उमर अकमल को जब्ताक की खिलाफ वर्जी आरोप शिकास नोटिस जारी किया गया हो बल्कि वो इससे कबल भी कई मरतबा मुश्किल का सामना कर चुके हैं मौतली से चंद दिन कबल भी उमर अकमल नेशनल क्रिकेट अकेडमी में तनाज का शिकार हुए थे और इस मौके पर उनके भाई कामरान अकमल भी साथ मौजूद थे उमर अकमल और उनके भाई को फिटनेस टेस्ट के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में तलब किया गया था जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अमले से बदतमीजी की थी रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ट के दौरान उमर अकमल आपे से बाहर हो गए थे और अमले से बदतमीजी की थी जिसके बाद उनके अगले डोमेस्टिक टूर्नामेंट में शिरकत पर पाबंदी का खदशा पैदा हो गया था तहम इस वाक के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के बल्लेबाज़ उमर अकमल और नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हमले के दरमियान सामने आने वाले तनाज़े की वजाहत करते हुए कहा था की ये वाक़ गलत फहमी की वजह से सामने आया और साफ डिजिटल ऐसी फिलवक इतना ही मजीद अपडेट हासिल करने के लिए दिखते रहिए हमारा चैनल और साफ डिजिटल